Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I know I've been lost since a really long time, but अब मैं try करूँगी कि अच्छे vlogs डालूँ and थोड़ा consistently डालूँ. Yes, I'm in India and मैं अचानक से ही आ गई again because of something. यहाँ बहुत ही ठंड है and no धूप also. परसों तक निकल रही थी but जब से मैं आई हूँ तो कोई धूप वूप भी नहीं है. And we are right now going for Miraj's vaccination क्योंकि वो 1 year की हो गई है माशाल्लाह, तो हमको अभी 1 year वाला वैक्सीन लगवाना है. तो वी आर गोइंग फॉर दैट एंड दैट्स व्हाट फॉर नाउ. नीलू इंजेक्शन रेडी हो रही है. हाँ इंजेक्शन रेडी हो रही है. इसके बाद हम लोग गए थे मिराल को लेके उनके नाना की क्लिनिक पे. तो ये कमर मिराल को लेके बाहर घूम रहा था एंड मिराल को बहुत मज़ा आ रहा था सारे लोग देख के. यहाँ आते ही मिराल के मज़े आ गए एकदम. मिराल को कैट से बहुत प्यार हो गया था और जीनी ने उनको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया, तो फिर उनके लिए ये दो कैट्स आई हैं जिनसे कि वो बहुत ही खुश हैं. एकदम असली लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रियल कैट है. और ये भी इनफैक्ट ये तो बोलती भी है. मिराल इज़ वेरी वेरी हैप्पी. मतलब सबसे मिलने मिलाने का सिलसिला जारी. एंड मैं अभी गई थी पापा के कज़न के यहाँ, वहाँ से आई. इतनी ठंड है, इतनी ठंड है. मैंने आपको अभी पिछली क्लिप में दिखाया कि कैसे मेरा पूरा मुंह एकदम ऐसा लग रहा है कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है. पूरा मुंह यहाँ से पूरा एकदम फ्रीज हो गया है. इतनी ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है. कहीं निकलने का नहीं. मैं पूरा प्लान करके आई थी कि यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, बट यहाँ पर आके कोई हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की. इतने दिन बाद रात में इतना ठंडा मौसम एंड खुला खुला घर देख के अपना इतना अच्छा लग रहा था. फिर उसके बाद हम लोग ने खाया खाना. यहाँ पे बन रही थी चाय एंड खाना गर्म हो रहा था और अम्मा ने इतना टेस्टी ठंड वाला अचार बनाया. ये मेरा खाने का इतना मन कर रहा था इतने दिन से जब मैं आ नहीं पा रही थी, एंड फाइनली यहाँ पर आके खाने के लिए मुझे अचार मिल गया. और ये बहुत टेस्टी होता है. अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसका रेसिपी शेयर कर दूँगी. फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि इतनी ठंड थी. मतलब यहाँ पे इतनी ठंड है कि हीटर के बिना तो गुजारा ही नहीं है. और मैं हमेशा से, मेरी आदत है कि मैं हीटर पकड़ के बैठ जाती हूँ जब ठंड होती है. तो उसके बाद फाइनली मैंने ज़हमत करी ली कि कुछ स्किन केयर भी कर लेते हैं क्योंकि वहाँ रह के तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. व्हेन यू हैव अ टॉडलर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप बच्चे को ही देख लो, वही बहुत है. तो वहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, कर भी पाती हूँ तो वंस इन अ ब्लू मून कुछ हो पाता है. तो यहाँ मैंने बनाया था फेस पैक. और ये फेस पैक जो है ये काफ़ी वायरल भी हुआ था इंस्टाग्राम पे. ये राइस स्टार्च वाला फेस पैक है जो ग्लास स्किन दे देता है और इससे काफ़ी असर भी पड़ता है. सच में बहुत अच्छा. तो अभी मेरे चेहरे पर मत जाना, मैंने अभी इतना बढ़िया मास्क लगाया है कि अगर आप इस मास्क को एक हफ़्ता लगा लो तो आप अपने चेहरे को खुद नहीं पहचान पाओगे. आपके चेहरे को इतना चमका देगा, लाइक आई एम नॉट किडिंग. ये बहुत ही अच्छा मास्क है एंड बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे. ये मास्क का रेसिपी मैंने देखा था एंड देन मैंने बनाया और फिर मैंने लगाया. ये मेरा दूसरा बार है जो मैं लगा रही हूँ. एक बार मैं एक वीक के लिए लगा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे. तो अभी मैं दोबारा लगा रही हूँ. राइस स्टार्च का मास्क है. मैं इतने परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाई जितना उन्होंने बना के दिखाया था क्योंकि मैंने एलोवेरा के जगह हनी यूज़ किया है. हनी या फिर बनाना या फिर योगर्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो. और एलोवेरा थोड़ा मुझे एलर्जी भी हो जाती है उससे, मतलब खुजली जैसी होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है फेस पे. तो मैंने हनी यूज़ किया एंड मुझे हनी ही सूट करता है ज़्यादा. तो मैंने इसलिए ये थोड़ा ऐसा लंपी लंपी सा लग रहा है, वरना वो अगर आप एलोवेरा जेल के साथ बनाते हो तो बहुत स्मूथ उसकी कंसिस्टेंसी बनती है. बट खैर बहुत ठंड है, लेकिन मैं हीटर में हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. एंड ये मैं रात में लगा रही हूँ. मैंने कल लगाया था तो कल बहुत ज़्यादा ठंड थी. मुझे लगा था नहीं मैं दिन में लगाऊंगी, पर मुझे रात में ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर कोई चीज़ लगाओ फेस पे तो, क्योंकि सुबह उठ के जो उसके रिजल्ट दिखते हैं ना वो विजिबल होते हैं. ऐसे दिन में लगाओ तो मुझे समझ नहीं आता कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो बस यही है. और मैं इतने दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. ये जो है एक बेबी कैरियर एंड ये मैंने लिया था दुबई से ही. ये इन्फेंटिनो का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस ये इन्फेंटिनो का ही है. और ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है. लाइक दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक अगर आपका बेबी छोटा है. मैं मिराल को अभी दुबई से लेके आई हूँ अकेले,
एंड दिस मेड माई ट्रैवल सो ईजी. लाइक अगर मैं स्ट्रोलर से भी लाती तो मुझे नहीं लगता इतना ईजी हो पाता, क्योंकि वो बहुत उठती है, उछलती है, कूदती है, भागती है, एंड इस पर वो थोड़ा सा बच्चे कोजी भी फील करते हैं. तो वो सो गई थी और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. आई थिंक ये आपको इंडिया में भी कहीं पर भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर्स को भी देखा है ये प्रमोट करते हुए. तब मैं सोचती थी पता नहीं कैसे कैरी करते होंगे, बट सच में ये बहुत ईजी बना देता है आप. तो अगर आपका बेबी लाइक व्हाट शुड आई से 2-3 महीने से लेके 1 साल तक का है, या 1 साल से 2 साल तक का भी है, तो भी आप कैरी कर सकते हो आराम से, क्योंकि ये वेट को डिवाइड कर देता है अच्छे तरीके से. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कैरी करने में. एंड फॉर मी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव गॉट. और यहाँ अम्मा निकाल रही है मिराल के विंटर के कपड़े, जो कि मैं ज़्यादातर यहीं छोड़ गई थी. वहाँ तो बहुत कम कपड़े लेके गई थी. एंड ये मैं दिखाने की कोशिश करी थी फेस पैक हटाने के बाद जो मेरा स्किन जैसा फील हो रहा था, जैसा रियलिटी में दिख रहा था, वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाता है, बट स्टिल आप देख सकते हो कि शाइन है. एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का. मैं उठी थी देर से तो मैंने डायरेक्ट लंच ही कर लिया था. अब मेरे फेवरेट कढ़ी चावल बने थे. देन मैं गई थी अम्मा के साथ एक पार्टी में, तो मैं अपने बूट्स वूट्स निकाल के देख रही थी, क्योंकि वहाँ तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, एंड यहाँ पे आके फॉर श्योर पड़ती है क्योंकि इतनी ठंड है. और ये था मेरा मिनिमल सा मेकअप जो कि मैंने किया था, बहुत ही लाइट मेकअप किया था. एंड इसमें फेस फाउंडेशन है ही नहीं, ये एकदम बेयर स्किन पर मैंने अपना टिंट और लिपस्टिक लगाई है और सनस्क्रीन लगाया हुआ है. एंड आप देख सकते हो फेस मास्क से कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे. फिर हमने कमर से मंगाई टुक टुक, हम लोग चले गए पार्टी में. वहाँ पे मिराल नए नए लोगों को देख के थोड़ी सी घबरा रही थी, बट देन इवेंचुअली मिक्सअप हो गई सबके साथ में. कितना खाती हैं सब लोग, देखिए बताती नहीं किसी को, बहुत खाती है चुपके चुपके. कितनी भर रही है जलेबी और रबड़ी. ये मैं नहीं खा रही, लोग मंगा रहे हैं मुझसे. इनको माला मिली है ज्यादा खाने से भी. आने के बाद बस घूमने घूमना आ रहा है. जब आप बहुत दिन बाद आते हो अपने घर वापस तो यही होता है. तो आज मैं अम्मा के साथ गई थी उनके किटी में, मतलब किटी नहीं थी, वहीं कुछ पार्टी थी न्यू ईयर टाइप्स, तो वहाँ पे गई थी. फिर मैं गई अपनी पप्पो के घर, एंड अभी हम लोग वहाँ से वापस आए हैं पूरा थक गए. और यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है कि सारे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोगों की जगह निकली हुई है घर के बाहर या फिर किसी की शॉप के बाहर, वो सब तोड़ फोड़ चल रही है. तो रिक्शा भी नहीं मिल रही है, एंड हम लोग इतनी दूर से पैदल आए. मिराल मेरे गोद में थी, एंड अच्छा है कि ठंड नहीं थी, नहीं तो बुरी हालत हो जाती. बट फिर भी मैं थक गई क्योंकि इतनी दूर से लेके चलने की आदत नहीं रही है. लाइक 15 मिनट दूर है हम लोग के घर से उनका घर, एंड मैं वहाँ से पैदल आई हूँ. तो बस मैं जाऊँगी, चेंज करूँगी, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी. अब देखती हूँ कि व्लॉग क्या बना है क्या नहीं बना. मुझे नहीं पता कि कल से अब तक मैंने क्या शूट किया है क्या नहीं किया. एंड आई एम रियली सॉरी अगर कुछ गड़बड़ हो इस व्लॉग में या ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो, तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि बहुत दिन बाद बनाया है. एंड आई होप आप लोग देखेंगे और कुछ तो आपको अच्छा लगेगा ही, और मैं कोशिश करूँगी कि और बनाऊँ. तो बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.